देश और दुनिया की पीस पड़ी खबर। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए मतदान जारी। पीएम नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले संसद परिसर में पहुंचकर मतदान किया। पीएम के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कई सांसदों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की तरफ से पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ और यूपीए की तरफ से मार्गरेट अल्वा के बीच मुकाबला है। आजादी के अमृत महोत्सव पर आज शाम दिल्ली में बड़ी बैठक होगी। राष्ट्रपति भवन में होने वाली इस मीटिंग में पीएम मोदी के साथ ही अमृत महोत्सव के लिए बनाई गई समिति के सदस्य शामिल होंगे। इनमें केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के साथ ही सोनिया गांधी भी शामिल हैं। पात्रा चौल घोटाले में गिरफ्तार सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। वर्षा राउत आज सुबह करीब 11 बजे मुंबई में ईडी के दफ्तर पहुंची। उनके पति और शिवसेना नेता संजय राउत 8 अगस्त तक ईडी के रिमांड में हैं। माना जा रहा है कि ईडी दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है। पश्चिम बंगाल के हुगली में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। ये मामला मारपीट तक पहुंच गया। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर धमकाने और हमला करने का आरोप लगाया तो टीएमसी ने बीजेपी पर विधायक की गाड़ी तोड़ने का आरोप लगाया। हालांकि पुलिस के पहुंचने के बाद कार्यकर्ता अलग हुए और मामला शांत हो पाया। मुंबई के वाडिया अस्पताल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद आग की ऊंची लपटें उठने लगी। धुआं अस्पताल की इमारत से बाहर आने लगा। कई वार्ड में भी धुआं फैल गया। बच्चों के इस अस्पताल में आग को बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इसके साथ ही सभी मरीजों को वहां से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बारिश से हालात बदतर हो चुके हैं। बारिश की वजह से लगातार पहाड़ का हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर रहा है। पहाड़ से मलबा गिरने से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे को बंद करना पड़ा, जिससे कई घंटों तक यातायात ठप रहा। वहीं प्रशासन की तरफ से काफी मुश्किल से मलबा हटाकर लोगों के लिए रास्ता खोला गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में भारी बारिश के बाद सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया, जिससे कई इलाके में गाड़ियां घंटों तक जाम में फंसी रही। सड़कों के साथ बाजार में भी सैलाब दिखाई दिया। बारिश के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गई, उनका सड़क पर निकलना दुभर हो गया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि समय पर नालों की सफाई नहीं की जाती, जिससे पानी की निकासी समस्या लगातार बनी रहती है। यूपी के शाहजहांपुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाके जलमग्न हो चुके हैं। घरों में पानी घुसने से लोग सुरक्षित स्थान पर जाने को मजबूर हैं। किसानों की कई एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो चुकी है। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने अपनी टीमें तैनात की और इसके साथ ही लोगों से नदी किनारे न जाने की सलाह दी। बिहार के मोतिहारी में ट्रक के गुजरते ही पुल भरभराकर नीचे गिर गया। पुल का जो हिस्सा गिरा, ट्रक उसी हिस्से में फंस गया। गनीमत यह रही कि इस घटना में ड्राइवर की जान बच गई। स्थानीय लोगों की मदद से ट्रक को बाहर निकाला गया, जबकि पुल के ध्वस्त होने के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के रतलाम के छात्र संदीप परमार की खुदकुशी के मामले में कॉलेज संचालक और प्रबंधक पर मामला दर्ज किया गया। संदीप परमार बीएमएस में थर्ड ईयर का छात्र था। आरोप यह है कि कॉलेज प्रबंधन ने संदीप से 1,00,000 रुपए का अवैध रूप से फाइन वसूला, 50,000 रुपए के लिए परेशान कर रहे थे, जिससे परेशान होकर उसने खुदकुशी कर ली। उत्तर प्रदेश के बदायूं में ठगी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सभी लोग संभल के रहने वाले हैं। आरोप दरअसल यह है कि लोग नकली चांदी को असली बताकर लोगों को बेच रहे थे। पुलिस ने उनके पास से 5 किलो 400 ग्राम नकली चांदी, एक कार और हथियार बरामद किए। उजानी कोतवाली पुलिस ने तीनों को बिलीसी रोड के पास से पकड़ा। बिहार में जमुई के एसपी को धमकी देने के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी कुणाल सिंह को देवघर के होटल से गिरफ्तार किया। कुणाल सिंह बालू के कारोबार से जुड़ा को बताया जा रहा है। उस पर पहले भी मामला दर्ज किया गया। आरोप दरअसल यह है कि उसने एसपी के मोबाइल पर फोन कर धमकी दी थी और अभद्रता की। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक अधिकारी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि 10 लाख का बिल पास करने के बदले लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर ने 50,000 रुपए की मांग की थी, जिन्हें रिश्वत लेते हुए पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा। इंजीनियर के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बदमाशों ने 3 मकानों में चोरी की। बदमाश लाखों रुपए की गहने और नकदी लेकर फरार हो गए। घटना की तस्वीरें एक मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें घर के बाहर खड़ा एक संदिग्ध आदमी दिखाई दिया। ये घर के अंदर देखता हुआ मिला। घटना पुरकाजी थाना इलो के फलौदा गाँव की है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट। जमीन विवाद में दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले। इस खूनी झड़प में कई लोग घायल हो गए। घटना का वीडियो सामने आया, जिसमें महिलाओं पर हमला किया गया। मामले में पीड़ित पक्ष ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस अब मामले की जांच कर रही है।
रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच उत्तर कोरिया के प्रशासक किम जोंग उन ने पुतिन को मदद की पेशकश की है। सूत्रों के मुताबिक किम जोंग उन ने पुतिन को युद्ध में 1,00,000 सैनिक देने की बात कही। रूस ने 1,00,000 सैनिकों के बदले उत्तर कोरिया को क्रूड ऑयल और गेहूं देने को कहा। अमेरिकी संसद के स्पीकर नैंसी पेलोसी की ताइवान यात्रा से भड़के चीन ने उनकी एंट्री पर बैन लगा दिया है। चीन ने पेलोसी के परिवार के सभी सदस्यों पर बैन लगा दिया। इसके अलावा चीन ने अमेरिका के साथ क्लाइमेट चेंज और सैन्य मामलों पर होने वाली बातचीत भी रोक दी है। इससे पहले अमेरिका ने चीन के राजदूत को तलब किया। इसराइल ने गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ हवाई हमला शुरू कर दिया। इस दौरान इसराइली सैनिकों ने फिलिस्तीनी आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया, जिसका वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें इसराइल की तरफ से दागे गए रॉकेट की वजह से एक इमारत में एक के बाद एक जोरदार 4 धमाके होते हुए नजर आए। इसराइल ने दावा किया कि इस इमारत में 10 से ज्यादा आतंकी छिपे थे। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने गोल्डन हैट्रिक लगाते हुए 3 और गोल्ड अपने नाम कर लिए। कुश्ती में दीपक पुनिया, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक ने गोल्ड मेडल जीता। 86 किलोग्राम वर्ग में दीपक पुनिया ने पाकिस्तान के खिलाड़ी को हराकर गोल्ड मेडल जीता। 65 किलोग्राम वर्ग में बजरंग पुनिया ने गोल्डन जीत दर्ज की है और 62 किलोग्राम वर्ग में साक्षी मलिक ने गोल्डन मेडल जीता। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला क्रिकेट का सेमीफाइनल आज होने वाला है, जिसमें टीम इंडिया इंग्लैंड की टीम से भिड़ेगी। ग्रुप बी के अंतिम लीग मुकाबले में इंग्लैंड की महिला टीम ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से बड़े अंतर से हराया था। इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने अब तक सभी मैच जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड की टीम ग्रुप में 2 जीत के साथ दूसरे नंबर पर है।